मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। क्या करते हैं आप अभी? मैं लॉयर हूँ और CSO। मैम आप एक चीज़ बताइए कि आप संत रामपाल जी के फॉलोवर्स हैं, आप जहाँ पे देखा जा रहा है कि हिसार में संत रामपाल जी जेल में हैं और हिसार में संत रामपाल जी के लिए लोग हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो क्या कारण है मैम आने का? संत रामपाल जी महाराज के लिए ऐसे ही इतने लोग नहीं आ रहे। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत कुछ दिया है अपने भक्तों को, उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है इस भक्ति से। वो जो करते हैं वो इसलिए आते हैं यहाँ पे, और मतलब लोगों का विश्वास है उन पे। मैम आप एक CSO, क्या आपको नहीं लगता है कि आप कहीं अंधभक्ति में फंस गए हो, अंधभक्ति कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधभक्ति ये नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। उनका सत्संग आपने देखा हो तो वो सारे वेद खोल के हमें दिखाकर सारे प्रमाणों सहित बताते हैं, और गुरु को देखे तो वो हमें पाखंडवाद में ज़्यादा ले जाते हैं। कुछ भी कथा सुनाते हैं और कुछ भी हमें कर्मकांड करवाते हैं, फिर उनसे हमें लाभ नहीं होता, तो वो चीज़ ज़्यादा पाखंडवाद में आती है, वो ज़्यादा अंधभक्ति में आती है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है और इसलिए हमें लाभ भी हो रहा है। और आप कब संत रामपाल जी के शरण में आए थे? मैं 2005 में आई थी। 2005 में आए थे, मतलब काफ़ी लंबे समय से आप संत रामपाल जी, और 2006 में भी एक कांड हुआ था। हाँ जी। तो कहीं नहीं लगता है कि इतने जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इतने संत रामपाल जी पे अटक किए जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी कहीं गलत हो सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी कहीं भी गलत नहीं है। उन्होंने जो और धर्म गुरुओं का ज्ञान लोगों के सामने उजागर किया है कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसे फंसा रहे हैं, अंधभक्ति श्रद्धा में कैसे उनको डाल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने उनका खुलासा किया, उसकी वजह से उनको फंसाया जाता है हमेशा। 2006 में भी उनको फंसाया गया नकली धर्म गुरु आर्य समाजियों द्वारा, और 2014 में भी उनको इसी तरह ही फंसाया गया और चीज़ों में। मैम एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी की शरण में आने से बहुत लाभ हुए हैं, तो आपको क्या लाभ हुआ? बहुत सारे लाभ हुए हैं। मेरे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, 2005 में नाम दीक्षा लेते ही वो बिल्कुल सही हो गए हैं, और मतलब बिल्कुल ऐसे छोटा मोटा तो चला रहा, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैं आज CSO LLB, मेरे पास 3 डिग्रियाँ हैं और भी BCOM की और भी डिग्रीज हैं, तो वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही है। लोग संत रामपाल जी को हिंदू धर्म विरोधी मानते हैं, तो इसका क्या कारण है? बिल्कुल भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। आप कैसे कहोगे कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, क्योंकि हिंदू की जो परंपरा है, मंदिरों में जाना है ना, वृंदावन या वैष्णो देवी पे जाना और कहीं पे भी कथा करना, तो ये संत रामपाल जी सारी चीज़ें बंद करवाते हैं, तो हिंदू विरोधी हुई है ना जब हिंदू धर्मों की साधनाएँ बंद करवा दी गई। तो संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है, वो पाखंडवाद विरोधी हैं। वो पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहते हैं कि मंदिरों के चक्कर लगाने से हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, हमें सिर्फ शास्त्र अनुसार भक्ति करने से फ़ायदा हो सकता है, पूर्ण गुरु बनाकर सतभक्ति करने से ही फ़ायदा हो सकता है, ऐसे हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, हमारे शास्त्र प्रमाण है इस चीज़ के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज इसी के अनुसार हमें साधना बता रहे हैं, और इससे लोगों को लाभ भी हो रहे हैं, बहुत लाभ हो रहे हैं। क्या ये सही है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये भगवान नहीं है, संत रामपाल जी इनकी पूजा नहीं करवाते हैं, बंद करवा देते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन वो अपने स्तर के भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज उनके ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ऊपर भी जो गीता में प्रमाण है, शर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, तो परम अक्षर पुरुष का ज्ञान दे रहे हैं वो। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो इनसे आने वाले लाभ ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आएंगे। आप कभी मुस्लिम धर्म के बारे में विरोध करते हुए नहीं दिखते हो, जितना भी है हिंदू धर्म का ही सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मुसलमान धर्म के बारे में आप कभी क्यों नहीं बोलते हो? बिल्कुल बोलते हैं, मुसलमान धर्म के बारे में भी बोलते हैं, जैसे मांस खाना और नमाज वगैरह, रोज़े रखना, इन सब के बारे में बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। लोगों को, हिंदुओं को हिंदुओं का दिखता है, मुसलमानों को मुसलमानों का दिखता है, फ़र्क सिर्फ इतना है, दोनों के बारे में बोलते हैं, जो भी गलत धारणा चल रही है दोनों सभी चीज़ों के बारे में, हर धर्म के अंदर पाखंडवाद ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मेरा अगला सवाल ये है कि जो लोग आज नास्तिक हो रहे हैं, संत रामपाल जी का ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, या फिर जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? आखिर वो क्यों नास्तिकता की तरफ जा रहा है, इसके पीछे कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे सबसे ज़्यादा तो पश्चिमी प्रवृत्ति को मैं मानती हूँ, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर। हम लोग
साइंस में ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आज साइंस को बनाने वाला भी भगवान है, हम सबको बनाने वाला भी। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साइंस नहीं बना सकती, तो ये इस सब का कारण ये है कि आज लोग हैं मतलब हमारी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। हमें वो चीज़ वापस से लानी होगी, हमें हमारी जो हमारे वेद शास्त्र है उनके अनुसार वापस से पूजा स्टार्ट करनी होगी, मतलब बिल्कुल हमारी संस्कृति में हमें वापस जाना होगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें आस्तिकता की तरफ ले जाएगी और बाकी जो भी क्राइम वगैरह सब होते हैं उन सब का नाश इन्हीं से हो सकता है। जो लोग आज भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगस्त का जुलाई अगस्त चल रहा है, इसमें लोग कांवड़िया करते हैं, बकरीद भी मनाई जाएंगे, हाँ। और भी कई साधनाएं करते हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे, क्या ये सही कर रहे हैं या फिर इनको क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है, किसी जीव को मारना मार के खाना बिल्कुल गलत है, भगवान इससे कभी खुश नहीं हो सकता। ये चीज़ तो बिल्कुल बंद करनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। ये हम हमारी आत्मा जानती है चीज़ गलत है, इसको तो कोई किसी चीज़ से प्रमाणित करने की भी बात नहीं है। जैसा कि संत रामपाल जी के सिस्टम में देखा गया है कि जो मैरिज होती है वो 17 मिनट में शादी हो जाती है, तो ये कैसे संभव है, 17 मिनट में एक विवाह कैसे हो जाता है? आजकल जो भी शादियाँ हमने देखी हैं बचपन से, महीनों पहले तैयारियाँ हो जाती हैं, तो ये क्या सिस्टम है, बताएंगे थोड़ा? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त मानव समाज तैयार कर रहे हैं, उनके कोई भी अनुयायी की दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। अब मेरा खुद का एग्जांपल है, मेरी खुद की रमेणी हुई है, रमेणी से शादी हुई है, 17 मिनट के अंदर शादी हुई है, ना कोई दहेज लिया गया ना दिया गया। तो बहुत उनका कोई भी भक्त दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है सब लोग। तो आपको क्या लगता है समाज में जो आज देखा जा रहा है, कितने केसेस, मतलब 21वीं सदी में भी लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो इस चीज़ को लेकर संत रामपाल जी के लोगों को क्या मतलब करना चाहिए जिससे इस तरह जल्दी से जल्दी ये बुराई को समाज से ख़त्म किया जा सके? जी बिल्कुल, आज देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे सारे अत्याचारों के पीछे दहेज प्रथा ही है, दहेज प्रथा ही डोमेस्टिक वायलेंस को इन्फ्लुएंस करती है, और जैसे फीमेल फोर्टिसाइड, चाइल्ड इन्फेटिसाइड, इन सबके पीछे दहेज प्रथा ही है। संत रामपाल जी महाराज इस दहेज प्रथा को ख़त्म कर रहे, जड़ को ही ख़त्म कर रहे, तो ये ऑटोमेटिकली सारे क्राइम अपने आप अबॉलिश हो जाएंगे। जो लोग लाखों करोड़ों दहेज देते हैं लड़कियों को और उसके बाद भी लड़कियों पर प्रेशर बनाया जाता है दहेज के लिए, तो फिर क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों को बिल्कुल इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, सोसाइटी की इन सारी गलत चीज़ों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की चीज़ों को देना चाहिए, क्योंकि ये एक समाज सुधार कार्य भी है। हम खुद को पर्सनली आगे आना पड़ेगा समाज सुधार के लिए, हम खुद को एग्जांपल देना पड़ेगा सोसाइटी में कि हमने ऐसे शादी करी है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे जो गरीब लोग हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए आगे आएंगे और हमारे देश से दहेज प्रथा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस समय शादी हो उस समय लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए कह देते हैं भाई हम दहेज नहीं लेते हैं, उसके बाद लड़की जब उसके यहाँ ससुराल में चले जाए उसके बाद फिर उससे डिमांड की जाए दहेज का, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी मैरिज को कितने साल हो गए? 1 साल ही हुआ है अभी। तो मैं आपसे कोई डोरी वगैरह नहीं लिया? कोई डोरी नहीं लिया गया था, एक कपड़े में मैं विदा हुई थी, एक कपड़े में ही शादी हुई थी, कोई पैसा ना लिया गया ना दिया गया, कोई शोबाजी कोई ड्रामेबाजी नहीं हुई जो आजकल होती है। और संत रामपाल जी महाराज के किसी भी अनुयायी को आप कहीं से भी लाकर पूछ सकते कि क्या दहेज लिया जाता है, दिया आप किसी से भी जाके जांच पड़ताल कर सकते हैं, बिल्कुल एक पैसा दहेज नहीं दिया जाता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।